हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने Banggood.com से एक एंड्रॉयड बॉक्स मंगाया है। उसका नाम है 10X TX3 Mini। उसकी आज हम अनबॉक्सिंग है। ये एक्चुअली 10X TX3 Mini ए वर्जन है। इसके अंदर एंड्रॉयड 7.1.2 है। ये एक्चुअली एक एंड्रॉयड फ़ोन है, बस एक एंड्रॉयड टीवी के अंदर काम करता है। या फिर कोई भी नॉन स्मार्ट टीवी, भले ही वो CRT टीवी हो या फिर कोई सिंपल LCD टीवी हो, LED टीवी हो, उसको स्मार्ट टीवी बना सकता है। ये काफ़ी अच्छा बॉक्स है। इसमें आप YouTube, ब्राउजिंग, गेमिंग सब कुछ कर सकते हैं। तो ये रहा 10X 3X 3 Mini। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल 10X 3X 3 Mini A। काफ़ी अच्छा है। ये Banggood.com सा है, स्टेट फ्रॉम चाइना, सो इसकी कंडीशन थोड़ी ऐसी हो गई है। बाकी अंदर देखने में पता पड़ेगा कैसा है अंदर से। सो ये है 10X TX 3 Mini। इसमें आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, स्काइप सब यूज़ कर सकते हैं। स्काइप के लिए आपको एक वेबकैम की ज़रूरत पड़ेगी। ये इसका चार्जर है, ये आपको कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। HDMI केबल है, ये इसका रिमोट है और ये एक इसकी यूज़र मैनुअल है। एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें SD कार्ड स्लॉट है और दो पेन ड्राइव स्लॉट है, जिसके थ्रू आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं। ये इसकी HDMI केबल है। इसका 10 वॉट चार्जर है, 2 एम्पियर्स 5 वोल्ट का है। ये इसका रिमोट है, जो बेसिक रिमोट है, इसमें वॉइस कमांड नहीं है। और ये है TX 3 Mini A वर्जन। यहाँ पर आगे टाइम आता है। यहाँ पर ये माइक्रो SD का स्लॉट है और दो USB 2.0 स्लॉट है। ये आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर AV पोर्ट है, जिसमें आप CRT TV को कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर इसके बाद है स्पीड पोर्ट है, फिर गीगाबिट पोर्ट है, फिर HDMI पोर्ट और ये इसका चार्जिंग पोर्ट है। ये SD कार्ड स्लॉट और यहाँ पर पीछे कुछ नहीं है। इसमें वेंटिलेशन नहीं है, इसलिए थोड़ा गर्म रहता है, बाकी चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये इसका मॉडल नंबर।